भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए आज सुबह LOC पर मौजूद भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान ने ये छठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पर पाकिस्तान ने छोटे ऑटोमेटिक हथियारों से लेकर मोर्टार से फायरिंग शुरू की। इसके साथ ही राजौरी के नौशेरा के पास लाम सेक्टर में भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और वहां भी मोर्टार दागे। हालांकि भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब दिया। इससे पहले जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और मोर्टार दागे गए, जिस पर भारतीय सेना ने जोरदार पलटवार किया। वहीं पाक रेंजर्स ने रविवार की सुबह भी नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के भीमबेर गली सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। शनिवार को भी नियंत्रण रेखा से सटे कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया था, जिसके बाद से लगातार दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर 6 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। भारत ने भी पाकिस्तान की हरकतों का माकूल जवाब दिया है। इससे ये साबित हो गया है कि पाक सेना का हर बार भारतीय सेना के सामने बेकार ही जाएगा। देखते रहिए DB Live।